टीचर एजुकेशन को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, दूसरी है इन सर्विस टीचर एजुकेशन। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन में बीएड, डीएलएड, ईटीटी ये कोर्सेज आ जाते हैं, जो टीचिंग जॉब ज्वाइन करने से पहले ट्रेनिंग होती है, एजुकेशन मिलती है, और टीचिंग या जॉब ज्वाइन करने से बाद में जो होती है उसको इन सर्विस बोलते हैं, जिसको प्रोफेशनल डेवलपमेंट, वर्कशॉप, सेमिनार और न्यू नॉलेज स्किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1963 में टीचर एजुकेशन की प्री सर्विस एंड इन सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए चार रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, जिनको रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अब बोला जाता है, पहले रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन बोला जाता था, तो ये एस्टेब्लिश किए, सेटअप किए। और ये किसके अंडर एस्टेब्लिश हुए, ये वैसे करवाए एनसीईआरटी ने, उसके ये कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। अगर ये पूछा जाए कि आरआईई को कौन ऑपरेट करता है, तो आंसर एनसीईआरटी दिल्ली आएगा। एनसीईआरटी एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, ये चार एस्टेब्लिश करने के बाद पांचवा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो शिलोंग में एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन शिलोंग का मेन पर्पज इन सर्विस ट्रेनिंग को देखना था, प्री सर्विस को नहीं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस हर एक कॉलेज के साथ एक डेमोस्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल जुड़ा अटैच हुआ है, जिसको लेबोरेटरी स्कूल भी बोल सकते हैं, जो लेबोरेटरी फॉर प्रेपरेशन ऑफ टीचर्स बोल सकते हैं। इन स्कूल्स में जो इंटर्नशिप लगती है, जो टीचिंग प्रैक्टिस लगती है, जहां टीचिंग लर्निंग के रिगार्डिंग, करिकुलम इंप्रूव करने के रिगार्डिंग, सिलेबस को टेस्ट करने के रिगार्डिंग, इवेल्युएशन टेक्निक्स को टेस्ट करने के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है, उन रिसर्चेज को फिर पब्लिश किया जाता है जर्नल्स में, जो बेस बनते हैं फर्दर एजुकेशनल पॉलिसी का इन टीचर एजुकेशन। तो फीचर्स क्या हैं, ये इंट्रोडक्शन थी, फीचर क्या हैं आरआईई के, बार बार शब्द में आरआईई ही बोलूंगा, जिसका मतलब होगा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन या रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन। फर्स्ट इनका रोल एंड पर्पस क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए रेलेवेंट रिसर्च करना, डेवलपमेंट के काम करना और एक्सटेंशन एक्टिविटीज देना। दूसरा पॉइंट है एफिलेशन, एनसीईआरटी से ये एफिलेटेड है बॉडी से, एनसीईआरटी पीछे बात करके आए हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड, इनकी लोकेशंस क्या है, इनको बड़ा करके यहां देख लेते हैं कि लोकेशन क्या है। फर्स्ट जो मैंने याद कैसे किए हैं वो भी साथ साथ में बता देता हूं, क्योंकि ये रीजन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में कौन सा रीजन है। फॉर एग्जांपल अजमेर में क्या है, अजमेर को याद रखने के लिए मैंने ये एम जो उठाया था और एम के दो एन बना दिए थे कि ये ऐसे एम बनता है, इतना याद रख लिया, और एन से नॉर्थ है। यह है चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये रहा लास्ट वाला उत्तराखंड। थोड़ा छोटा कर लेते हैं भोपाल, इसमें छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र शामिल हैं। नेक्स्ट है, थर्ड है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को याद रखने के लिए ई मैंने निकाल रखी थी, ईस्ट। अंडमान निकोबार द्वीप में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। मैसूर का एस निकाल लिया, साउथ। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये साउथ में है। और शिलोंग, शिलोंग एस एच श जो दो शब्दों से बनता है, ऐसे ही मैंने एन को निकाल के एन ई, नॉर्थ ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, ये इनकी लोकेशन है। इन पर मोस्टली क्वेश्चन इन पर ही पूछे जाते हैं। आगे जो फीचर हैं वो करते हैं, इनके कोर्स कौन से ऑफर करते हैं, ये बीए बीएड सॉरी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम और बीएड, ये अंडर ग्रेजुएट में आ गया। नंबर एक, अंडर ग्रेजुएट में बीएड एंड इंटीग्रेटेड बीएड, पोस्ट ग्रेजुएट में एमएड एंड स्पेशलाइज्ड कोर्स इन एजुकेशन, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पर कोर्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च किस पर करते हैं, इनोवेटिव टीचिंग मेथड पर,
करिकुलम डिजाइन करने में और इवेल्युएशन पर रिसर्च करते हैं, जैसे पहले पॉइंट में बताया था, फोकस ऑन रीजनल लैंग्वेज एंड कल्चर, क्योंकि ये रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट 5 डिवीजन है, और उन रीजन का जो कल्चर है और लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व और प्रमोट करने के लिए करिकुलम में उनके एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं, शामिल किया जाता है, और टीचिंग प्रैक्टिस में शामिल किए जाते हैं। टीचर एजुकेशन रिसोर्स सेंटर, ये जो कॉलेजेस हैं एक्ट करते हैं, सर्व करते हैं एज ए रिसोर्स सेंटर। रिसोर्स क्या होते हैं? जो के स्किल डेवलपमेंट के लिए, नॉलेज को एनहांस करने के लिए एज ए मीन्स, साधन के तौर पर यूज किया जाता है। तो रिसोर्स सेंटर कैसे हुए कि यहाँ पर एजुकेशनल मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप किया जाता है, वर्कशॉप्स और गाइडेंस टू स्कूल एंड टीचर्स प्रोवाइड की जाती है उनकी नॉलेज एंड स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। इम्पैक्ट ऑन टीचिंग, ये एक वेल ट्रेन्ड, मतलब अच्छे टीचर, यहाँ से जो नॉर्मल बीएड कॉलेज और यहाँ से पढ़े हुए टीचर में डिफरेंस होता है, यहाँ पर रिसर्च कंडक्ट की जाती है और एजुकेशनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस को कंट्रीब्यूट करते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च में क्या है, रिसर्च की फाइंडिंग्स है, रिजल्ट्स आ गए हैं, और जो रिजल्ट्स हैं वो हेल्प कर रहे हैं पॉलिसी को बनाने में। अब अगर ये पूछा जाए कि RIE पॉलिसी बनाते हैं, नहीं, ये रिसर्च करते हैं, रिसर्च की फाइंडिंग हेल्प करती है पॉलिसी में, ऐसे कंट्रीब्यूशन है, इनडायरेक्ट देन है, डायरेक्ट ये पॉलिसीज कॉलेज नहीं, कोई नहीं बनाते। फॉर एग्जांपल, कॉलेज में ये रिसर्च हुई कि कोऑपरेटिव लर्निंग बेटर है टीचर एजुकेशन को, टीचर को टीच करने के लिए, उनकी जो सोशल स्किल्स है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर मेथड, तो ये टीचर एजुकेशन करिकुलम में इसको पॉलिसी, जो कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड को है, इंट्रोड्यूस किया जाएगा पॉलिसी में कि इसको करिकुलम में शामिल कर लिया जाए। एक एग्जांपल है करिकुलम डेवलपमेंट, ये बात हो चुकी है, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मेथड एंड कंटेंट डेवलपमेंट काम करते हैं। रिसर्च एंड पब्लिकेशन, इसमें लिखना है आपने के पब्लिश करते हैं जर्नल्स भी, रिसर्च पेपर्स भी, जो रिसर्च वहां होती है डेमोस्ट्रेशन स्कूल्स में, लेबोरेटरी स्कूल में, रिसोर्स सेंटर, ये पहले बात हो चुकी है, कोलैबोरेशन एंड पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन किसके साथ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ अपनी टीचिंग को इंप्रूव करने के लिए, यूनिवर्सिटीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्या करने के लिए, जो नॉलेज है एक्सचेंज करने के लिए, उनसे नॉलेज देनी है, उनसे लेनी है, और उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करनी है इन ऑर्डर टू एनहांस क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसे होगी कि जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं डिफरेंट प्रोग्राम, रेड वाले आप याद रखिए, वर्कशॉप एंड सेमिनार ऑन टीचिंग स्किल्स एंड पेडागोजिकल नॉलेज, टीचिंग रिलेटेड नॉलेज, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिसी पिछले हो चुका है। तो ये फैक्ट थे जो RIE के जो मेन पॉइंट्स थे। अब लर्न करेंगे, इस नॉलेज को एनहांस करेंगे, थोड़ा सा लर्न करेंगे, टेस्ट करेंगे नॉलेज को, कैसे के एमसीक्यू के जरिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन। थोड़ा डिफिकल्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी लिखा है और NCERT भी लिखा है। NCERT का एज ए, क्योंकि ये कॉन्स्टिटेंट यूनिट है, दैट इज वाई इसको ज्यादा प्रेफर करेंगे दूसरे नंबर पर। अगर ये नहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, UGC नहीं है, AICTE रॉन्ग आंसर। हाउ मेनी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन देयर आर इन इंडिया, ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर 4 इसमें है, 4 पहले थे लेकिन अब 5 हो चुके हैं शिलोंग को मिलाकर, दैट इज व्हाई 5 इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय RIE, भुवनेश्वर। अब वेरी इजी, भुवनेश्वर का कैसे हमने याद रखा था, ई याद रखा था, ई से, ई क्या है, ईस्टर्न, राइट आंसर, इतनी जल्दी मिल जाएगा, एक बार कॉपी पर अगर आप लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, हिंदी में भी साथ साथ में लेके चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, RIE मैसूर सेंटर टू एजुकेशनल नीड ऑफ विच रीजन, मैसूर का मैंने क्या याद रखा था, जल्दी से एस, और ये साउथ, राइट आंसर साउथ।
नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चन है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर, अजमेर के मैंने एम उठाया था, एन एन इसका बना था, नॉर्थ, नॉर्थ वाले ये रहा राइट आंसर, नॉर्थ। नेक्स्ट है विच रीजनल, अच्छा यहाँ पर साथ में ये भी करते लें, अच्छा हिंदी में भी आप कर सकते हो, ऐसे नहीं है, इंग्लिश में भी एसोसिएशन करनी है, जैसे यहाँ पर अजमेर है, अ यहाँ से उठाया और यहाँ ऊ के साथ इसको जोड़ लिया कि यार जुड़ गया, बस इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर प्राइमरी फोकस ऑन एजुकेशनल नीड्स ऑफ विच स्टेट, इधर सिक्स्थ इसको भी कर लें, भारत में कौन से, तो भुवनेश्वर का ई याद रखा था है ना, यहाँ पर ईस्ट वाले कौन से हैं ये देखने हैं, ईस्ट में कौन से आते हैं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड ये बन रहे हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु साउथ में बन रहे हैं, रॉन्ग, गुजरात नहीं बन रहा उधर, और असम का ये हो सकता है कि आपको नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो सकती है असम और इसमें आप कन्फ्यूज हो जाओ, तो थोड़े से रीजन नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इसमें कन्फ्यूजन से आपको बचना है, ये आपने दो चार जो है स्टेट्स याद रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर कैटर्स द नीड ऑफ एजुकेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ विच स्टेट, अब कैसे स्टेट जाना है, सॉल्व कैसे करना है, मैंने मैसूर का ऐसे याद रखा था और साउथ की स्टेट देखूंगा, एक्सट्रीम साउथ में जाऊंगा, एक्सट्रीम साउथ में तमिलनाडु मुझे मिल गया है राइट आंसर, जल्दी से मैं इसको चूज करूंगा, और जो है बिहार, बंगाल नहीं, गुजरात नहीं, महाराष्ट्र इधर वाला है, और असम नॉर्थ ईस्ट वाला नहीं, रॉन्ग है। नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है, उधर भी कर लेंगे, हिंदी में पीछे रह गया, ये एट्थ था उसका, ये देख ले हिंदी वाले, और ये रहा नाइन्थ क्वेश्चन, आर आई अजमेर प्राइमरली, अब फोकस ऑन द एजुकेशनल नीड ऑफ विच स्टेट, अब अजमेर का एम था एन एन, और नॉर्थ वाले में देखूंगा किधर है, पंजाब है कहीं, हिमाचल प्रदेश है कहीं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश नहीं, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार ये तो पक्का नहीं होगा, कर्नाटका ये तो साउथ आ गया, मेघालय अंचल साउथ ईस्ट आ गया, तो ये बन रहा है, लेकिन इसमें पंजाब और हिमाचल प्रदेश नहीं है, पंजाब एच पी होना चाहिए, ये रॉन्ग आंसर है, अगर ऐसे चुनना पड़े तो आप इसको चूज करोगे, अदरवाइज ये रॉन्ग आंसर, रॉन्ग क्वेश्चन है, सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं नाइन्थ से टेंथ, हिंदी में भी साथ साथ में चलना पड़ेगा, आर आई ई शिलोंग के दायरे में कौन से राज्य आते हैं, शिलोंग का मैंने एस एच याद रखा था और एन एन ई नॉर्थ ईस्ट वाले, असम, हाँ यस असम मुझे जल्दी मिल गया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट असम एस से साम मैंने जोड़ रखा है, तो ये मुझे जल्दी से मिल गया है राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज प्राइमरी रोल ऑफ रीजनल सेंट्रल कॉलेज, अब नेचर बदल गई है एम सी क्यू क्यू की, क्या उनका प्राइमरी रोल क्या है, कंडक्टिंग रिसर्च इन वेरियस एकेडमिक डिसिप्लिन, नहीं वेरियस एकेडमिक डिसिप्लिन में नहीं है, प्रोवाइडिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, नहीं टीचर ट्रेनिंग होगा फिर से ठीक हो सकता, ऑफरिंग टीचर एजुकेशन ये वाला राइट आंसर है, टीचर ट्रेनिंग ही इज राइट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट द एंड मैनेज द रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, एन सी ई आर टी, पहले बात हो चुकी है इसलिए रेपिटेशन है, यहाँ पर बात नहीं करेंगे। 13वां क्वेश्चन हमारे पास है हिंदी में, ये रहा आर आई फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ स्किल प्रोफेशनल ऑफ वेरियस फील्ड नहीं करते, रिसर्च स्कॉलर ऑन सोशल साइंस नहीं करते, टीचर एंड टीचर एजुकेशन है, दिस इज राइट आंसर, टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट पूछा है, नॉट को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये गलती हो सकती है यहाँ पर, नॉट को ऐसे मैंने किया याद रहेगा, करिकुलम डेवलपमेंट एंड वैल्यूएशन, यस करिकुलम भी करते हैं डेवलप, वैल्यूएशन भी करते हैं टिक, प्रोवाइडिंग हायर एजुकेशन डाइवर्स फील्ड, नहीं ये नहीं करते, कंडक्टिंग रिसर्च इन एजुकेशन, यस करते हैं अभी बात की है, ट्रेनिंग टीचर या टीचर आ गया एग्जाम टिक, और ये रॉन्ग वाला है नो एंड नॉट, इट मीन्स बी इज यहाँ पर राइट आंसर। 15th है आर आई ई प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्रमोटिंग, 15वां कौन सा है, प्रमोटिंग इंटरप्रेन्योरशिप अमंग स्टूडेंट्स, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स नहीं ये भी नहीं, एंटरप्रेन्योर को गलत किया, स्पोर्ट्स को गलत किया, एक्स्ट्रा करिकुलर किया, स्ट्रेंथनिंग एजुकेशन सिस्टम थ्रू क्वालिटी टीचर, ये मैंने एक टैग वर्ड ढूंढ दिया, टीचर एजुकेशन क्योंकि मेन है, ये राइट आंसर निकल आया।
आगे ऑफरिंग डिस्टेंस एजुकेशन, ये भी गलत है, डिस्टेंस नहीं है, रेगुलर एजुकेशन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की ऑब्जेक्टिव ऑफ RIE, 16वां क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है। प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन स्कूल, हाँ यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, छोटा सा टिक लगाऊंगा। इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन एंड रिसर्च, ये रहा क्योंकि यहाँ पर टीचर एजुकेशन सीधा आ गया और रिसर्च, दैट इज़ वाई ये बड़ा ठीक है, इसको चूज करूंगा, इसको रिजेक्ट करूंगा। इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू परस्यू कैरियर इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, नहीं बिल्कुल गलत, इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है रीजनल स्तारमा, यहाँ पर ये रहा RIE क्षेत्रों के में विशेष पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जैसे कि मेडिसिन, हेल्थ केयर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड पेडागॉजी, इज नया शब्द आपके लिए होगा, पेडागॉजी का मतलब साइंस ऑफ टीचिंग ही है, दैट इज वाई राइट आंसर को हमने चूज किया है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, है ना, इसलिए। RIE सर्व ए रिसोर्स सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्सट बुक टू स्कूल्स इन रिमोट एरिया, नहीं नहीं, डेवलपिंग टीचिंग लर्निंग मटीरियल फॉर टीचर्स, है ना, फॉर टीचर आया और ये टीचिंग लर्निंग मटीरियल करते हैं, ये राइट आंसर हमें मिल गया। कंडक्टिंग कैरियर काउंसलिंग, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो राइट आंसर हमें मिल गया है। नेक्स्ट चलते हैं, 19वां क्वेश्चन है हमारे पास, RIE ऑफरिंग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, वोकेशनल कॉमन टर्म है, हमारा टीचर से है सिर्फ। कंडक्टिंग एकेडमिक कॉन्फ्रेंस ऑन करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम डिज़ाइन तो करते हैं, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस अच्छे देख लें कि अच्छा मिल रहा है, क्योंकि ये करिकुलम है और ये बेटर है, छोटा सा टिक लगाएंगे। कोलैबोरेटिंग विद द स्कूल, ये अच्छा है ना, एक स्कूल के साथ एसोसिएट होते हैं। टू रिवाइज एंड अपडेट, ये सबसे बढ़िया है, ये इनका काम है, कॉलेज है, स्कूल के लिए टीचर पैदा करने हैं, स्कूल के करिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए स्कूल के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, ये गुड है। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट RIE, हिंदी वाले पीछे रह गए, ये 18वां हो गया, देखना है किसी ने, और ये रहा 19वां, सॉरी, और ये रहा 20वां, ये रहा, और नेक्स्ट है दे ऑफर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन वेरियस डिसिप्लिन, देखो अंडर ग्रेजुएट भी है पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन टीचर ट्रेनिंग में है, टीचर एजुकेशन वेरियस में नहीं है। दे ऑफ फोकस प्राइमरी ऑन रिसर्च इन नेचुरल साइंस, नेचुरल में नहीं है। दे ऑपरेट इंडिपेंडेंटली, नहीं, NCERT से संबंधित है। दे प्रोवाइड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम टू कॉरपोरेट वर्ल्ड, नहीं ये भी गलत है, ये क्वेश्चन भी गलत है, हमारी असेसमेंट हो गई है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं उसके बाद, RIE प्ले वाइटर रोल इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज, नहीं भाई इसमें भी देख लो भी 21वां वालों, नहीं, टूरिज्म से रिजेक्ट हो गया। कंडक्टिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस, नहीं, एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फॉर स्टूडेंट्स, नहीं, प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इसको आप टिक कर सकते हो। तो ऐसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, तो ये थी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इनको रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। ऐसे डिफरेंट जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के टॉपिक लेके और MCQ लेके आता रहूँगा, नीचे लिंक दिए गए होंगे, देख सकते हो। लर्न टू एक्चुअलाइज, डॉक्टर तीरथ सिंह, थैंक यू।